तो हेलो बानो, मेरे न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बाइक के व्हील को हम आज कलर करने वाले हैं, क्योंकि उससे दो तीन बार टायर चेंज किया है तो इसलिए उसका कलर निकल चुका है। तो हमने स्प्रे लाया हुआ है क्यूब, जिसका नाम है, और हमको यह 130 में गिरा है और दो 260 में, और हम आज बाइक को कलर करने वाले आपको दिखाते ही। तो चलते, तो देख सकते हो गाइस, हमने दो स्प्रे लाए हुए है, जो कि आपको बोला ही था मैट ब्लैक है, और हमने व्हाइट कलर भी लाया हुआ है जो कि टायर के नाम को कलर करने वाले है। तो चलते आपको दिखाता हूँ। तो मैंने डेमो पीस कलर किया है, देख सकते हो। तो चलते हैं बाहर। तो देखो गाइस, इसको भी हम पेंट करने वाले हैं, और हमने इस पेपर से जो 20 रुपये का लाया था उससे पॉलिश किए, और हम पहले इसको निकाल लेंगे, उसके बाद उसको पेंट करेंगे। तो चलते हैं अंदर। इसे निकालने के बाद पूरे ताकत से घिसता हूँ, क्योंकि पहला कलर मतलब कंपनी का कलर है तो निकलेगा नहीं, तो इसे निकालने के बाद ही मैं दूसरा कलर मारने वाला हूँ। तो पूरे ताकत से घिसता हूँ अभी। अभी आपको दिखाता हूँ इसका कलर, और जो कि मैं भैया को बोला था कि आप कलर मारो, मैं मुझे मारते नहीं आता है, तो भैया मार रहे कलर। कितना शानदार तरीके से दिख रहा है, तो देखो गाइस। तो पहले ये कितना ख़राब दिख रहा था, तो कितना अच्छा दिख रहा है। ये होने के बाद मैं बाइक वॉशिंग को लेके आता हूँ, और उसको बोला था मैं कि पहले व्हील धोना, क्योंकि व्हील का ही काम है जो कि कलर मारना है, वो अच्छी तरीके से धोना। तो वो बोला था कि धो लूँगा। गाड़ी वॉशिंग करके और पैकिंग करके रात हो जाती है, तो मैं भाई को बोला कि तुम कलर मारो, क्योंकि मुझे मारते नहीं आ रहा था। तो भाई बारी बारी से मार रहे हैं, और देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से मार रहे हैं, क्योंकि उनको बोला था कि आप मारो, क्योंकि मुझे मारते नहीं आ रहा था। तो अभी आपको दिखाते हैं बैक साइड, और देख सकते हो कितनी पैकिंग अच्छी तरीके से किया है मैंने। तो चलते हो बैक साइड। अब बैक व्हील देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से बारी बारी से मार रहे, क्योंकि आगे का टायर पे ज़्यादा कलर हो चुका था, तो ये बोले थे कि अभी इस टायर पे अच्छे तरीके से मारूंगा। तो पैकिंग भी देख सकते हो इस साइड पे, क्योंकि मैंने कागज़ बिगत की पैकिंग किया है। और अब उस साइड दिखाता हूँ आपको। तो उस साइड आने के बाद देख सकते हो इधर भी कितने अच्छी तरीके से पैकिंग किया है मैंने, शॉपक भी जो कि कागज़ से ढक लिया है, और ये साइलेंसर बीच में आ रहा था, तो भाई नीचे की साइड से मार रहे, और मैं भाई को बोला था कि साइलेंसर को भी मार दो, तो भाई बोल रहे थे कि साइलेंसर जब गर्म होगा तब कलर निकल जाएगा, तो साइलेंसर को नहीं मारा। तो भाई बोल रहे थे तेरा ब्लॉग है तो तू भी दिखना चाहिए, इसलिए मुझे कलर मारने के लिए बैठा दिया। तो मुझे थोड़ा पार मारते आता था, पर वो भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मन पे मन बोल रहा था कि नहीं मारूँ मत, मारूँ मत। तो देख सकते हो, वो देखो गाइस, मैंने उस पर भी लगा दिया कलर। तो पीछे से ढक लेता हूँ, ढकने के बाद इस साइड भी मार लेता हूँ, क्योंकि पूरा कलर भी नहीं मारा ऐसा दिखना चाहिए। और मेरा फ्रेंड बोलो देखो कैसा बोल रहा है कि इधर मारो, ये PhD करके आया मेरा फ्रेंड जो कि कलर में। आप सबको गुड मॉर्निंग। तो आपको रात को दिखा नहीं सके, तो अभी दिखाते हैं तो कलर कैसे बैठा है। तो अभी के वक्त 10 बज चुके हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं, तो चलते हैं गाइस, आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो अभी कलर कैसे अच्छे तरीके से बैठा है, देख सकते हो गाइस इतने अच्छे तरीके से बैठा है, कलर लग नहीं रहा है। पर हमने ये भी कलर किया था, आपको बोला ही था, देख सकते हो। और इधर से जितना दिखाते पीछे की तरफ से, देख सकते हो ये भी अच्छे तरीके से बोला था आपको, इतना अच्छे तरीके से कलर मारा है, और ये भी मारा था। और इसके बाद मीटर काट पेंट मारा थे सिंटन से, फिर शिफान फिर ये शुरू जिसका तब बन पूरे अच्छे।
तो गाइस ऐसे वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है तो आपको मेरे भाई से मोबाइल से दिखाते हैं। तो गाइस आपने देखा है कि कितने अच्छे तरीके से कलर बैठा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम टायर का नाम चमकाने वाले वाइट कलर से जो कि आपको दिखाया था। और ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और रत्नज ब्लॉग को फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।